हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 9th स्टैंडर्ड में तो आपको चैप्टर होगा लॉ ऑफ मोशन। और अगर आपने इसका चैप्टर का वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने पूरे टर्म्स इसके अंदर जो है वो सब मैंने सिखाया है और फॉर्मूलेज मैंने उसके अंदर सिखाए हैं, तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम्स, ये चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स है आज हम वो सॉल्व करेंगे। ये देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, ये हम आज सॉल्व करेंगे पूरे चार के चार सम सम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हमें क्या बोला है यहाँ के, हम सम पढ़ लेते हैं कि क्या बोला है सम के अंदर। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट मूव 80 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है 18 मीटर फर्स्ट 3 सेकेंड में, उसके बाद में 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स एंड 14 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। इसके अंदर हमें फाइंड करने बोला है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो पहले हम गिवन डेटा लिख लेना है कि हमें क्या क्या दिया गया है और हमें फाइंड क्या करना है। तो देखिए गिवन हमें क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट मूव 18 मीटर डिस्टेंस दिया है हमें यहाँ पे। तो डिस्टेंस हमें कैसे लिखते हैं, एस 18 मीटर। यहाँ पे तीन जगह पे दिया तो हम S1 यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में दूसरा हमें दिया है S2 22 मीटर्स। तीसरा हमें दिया है 14 मीटर्स, तो हम यहाँ पे 14 मीटर्स लिख देते हैं। उसके बाद में देखिए टाइम हमें दिया है T1 3 सेकेंड्स, फर्स्ट है 3 सेकेंड्स, सेकेंड है 3 सेकेंड्स और T है यहाँ पे, थर्ड है हमारा 3 सेकेंड्स। तो देखिए हमें ये गिवन डेटा मिला है। उसके बाद में हमें फाइंड क्या करने बोला है, यहाँ पे हम फाइंड लिख देते हैं। फाइंड हमें बोला है एवरेज स्पीड, इसको हम डिनोट करते हैं V से। तो अभी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है इसका, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा चैप्टर्स के डिटेल्स मिल जाएंगे, सब फॉर्मूले उसके अंदर दिए गए हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम, वी इक्वल टू, डिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, एस से, अपॉन टी। अभी यहां पे टाइम और सेकेंड अपना डिस्टेंस हमें एक एक ही जगह एक चीज पे नहीं दिया है, तीन जगह पे दिया है इसे। तो हम इसको फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करके, हम इसको फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करके अच्छे से लिखते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे हम चेंज करके थोड़ा सा, वी इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ये देखिए ऐसे हम फॉर्मूले में हमने चेंज कर दिया। अभी हम इसमें पुट करेंगे जो हमें दिया है, गिवन वैल्यूज जो हमें मिली है उसको हम पुट करते हैं। S1 हमें कितना मिला है 18 मीटर्स प्लस S2 हमें कितना मिला है 22 मीटर्स प्लस S3 हमें कितना मिला है 14 मीटर्स। उसके बाद में T1 हमें कितना मिला है 3 सेकेंड्स प्लस T2 हमें कितना मिला है 3 सेकेंड्स प्लस T3 हमें कितना मिला है 3 सेकेंड्स। उसके बाद में हमें इन सबको प्लस करना है, तो हम इसको प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलता है, हम चेक कर लेते हैं। 18 22 14, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 1 कैरी, 1 2 3 4 5, 54। यहाँ हमें 54 मीटर मिला अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 3 9 होता है 9 सेकेंड्स। तो देखिए अभी हमें 9 6 हमें मिलता है 54, तो यहाँ पे हमें मिल गया 6 मीटर पर सेकेंड आंसर। फर्स्ट का आंसर देखिए ये था, बहुत ही इजी है ये। इसको आप अगर एक बार फॉर्मूला पढ़ लेंगे अच्छे से, फॉर्मूला आप दिमाग में अगर घुसा लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा ये सब सम करने के लिए। तो चलिए अभी सेकंड सम पे हम जाते हैं, सेकंड सम हमें कैसे करना है हम वो देखते हैं अभी इसको। तो देखिए अभी सेकंड सम में हमें क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है जो 16 kg है और वो मूव हो रहा है, एक्सेलरेशन उसका कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमें फाइंड क्या बोलने करने बोला है, कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स, फोर्स इसके अंदर क्या लग रहा है वो हमें फाइंड करने बोला है।
और उसके बाद में दूसरा हमें क्या बोला है, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 24 kg, अभी 24 kg का एक मास है और जो हमें फोर्स हम जो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वही सेम फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे भी लग रहा है, तो उसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है, पहले हमें क्या लिखना है गिवन, तो हम स्टार्ट करते हैं गिवन लिखते हैं। तो देखिए गिवन हमें मास, यहाँ पे दो मास दिए तो हम पहला एम वन लिख देते हैं, एम वन हमें कितना मिला है 16 kg, उसके बाद में एम टू हमें कितना है दिया गया है 24 kg, ओके ये देखिए। उसके बाद में कैलकुलेट हमने क्या क्या हमने बोला ये हम बाद में लिखते हैं, उसके बाद में हमें एक्सकलरेशन दिया है हमें ए 3 m/s² और दूसरा एक्सकलरेशन हमें फाइंड करने बोला, तो हम ए वन यहाँ पे लिख देते हैं, ए वन हमें दिया है, ए टू हमें फाइंड करना है, तो अब हम यहाँ पे टू फाइंड लिख देते हैं, टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें पहला फाइंड करना है फोर्स, हम पहला लिख देते हैं फोर्स, फोर्स का डिनोट करते हैं हम एफ से एंड एक्सकलरेशन ए टू, क्योंकि ए वन हमें दिया है हमें ए टू फाइंड करना है। उसके बाद में हम अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला क्या है एम इंटू ए मास इंटू एक्सकलरेशन, और एक्सकलरेशन का फॉर्मूला तो आपको इसमें से ही हम इसको चेंज करके फॉर्मूला में हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ये हमारा एक्सकलरेशन है ए इक्वल टू, ये हमारा मल्टीप्लाई में ये साइड जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, तो एफ अपॉन एम ओके। अभी हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, तो देखिए एफ इक्वल टू एम ए दिया है, यहाँ पे फोर्स हमें फाइंड करना है, फोर्स इक्वल टू एम कितना है 16, एम वन ही हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एम वन हमें कितना है 16 मिला है, इंटू एक्सक्लरेशन हमें कितना दिया है यहाँ पे 3, तो हम इसको फाइंड करेंगे तो हमें क्या आएगा 16 इंटू 3 कितना होता है कर लेते हैं हम यहाँ पे 18 3 1 3 4 48 48 आया। उसके बाद में हमें इसका SI यूनिट लिखना है, फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम नहीं लिखेंगे तो इसका हाफ मार्क्स कट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है, SI यूनिट आपको सब चीज़ का लिखना है। अगर आपने अगर अच्छे से आपको नहीं मालूम है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए सब चीज़ का आपको SI यूनिट सब चीज़ का फॉर्मूला आपको दिया गया है वहाँ पे, सो तो आप जाके चेक कर लीजिए जरा एक बार वीडियो। तो देखें ये आपको फोर्स मिल गया 48 न्यूटन, उसके बाद में हमें फाइंड करना था एक्सेलरेशन, तो ए इक्वल्स टू हमने क्या फॉर्मूला निकाला था एफ अपॉन एम, तो हमें फोर्स अभी अभी मिला है 48 न्यूटन अपॉन मास, मास हमें दिया गया है 24, क्योंकि एम टू हमें 24 दिया है, तो एम टू 24 आ गया, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है कौन सा ए टू फाइंड करना है हमें, ए टू का एक्सेलरेशन पहला वाला एक्सेलरेशन हमें दिया था, अभी दूसरा वाला हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे ए टू लिख लेते हैं। उसके बाद में अभी हम यहाँ पे करते हैं सम ए टू इक्वल टू 48 अपॉन 24, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 24 1 24 24 2 48, तो हमें 2 इसका आंसर आएगा। अब इसका एक्सेलरेशन का आपको ऐसा यूनिट याद रखना है कि ऐसा यूनिट होता क्या है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है m/s², तो आपको याद रखना है सब, अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसका हाफ मार्क्स कट हो सकता है। तो ये था सेकंड सम, देखिए पहला सम और सेकंड सम बहुत ही इजी था, अभी थर्ड सम थोड़ा हार्ड है, तो आपको उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे से देखेंगे आपको समझ में आएगा वो। चलिए स्टार्ट करते देखिए थर्ड सम हमें क्या बोला है, ए बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 g, जो बुलेट है उसका जो मास है वो 10 g है एंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1.5 m/s, जो स्पीड से मूव कर रहा है उसका स्पीड है 1.5 m/s और वो पेनिट्रेट अ थिक वुडन प्लैंक, पेनिट्रेट करता है वो थिक वुडन प्लैंक, लकड़ी का जो वुड का प्लैंक है जो उसमें वो पेनिट्रेट करता है, और वो वुडन प्लैंक का जो मास होता है वो 90 g है वो। तो देखिए अभी क्या बोला है यहाँ पे, द प्लैंक वॉज इनिशियली एट रेस्ट, वो जो इनिशियली एट रेस्ट पे था वो प्लैंक इनिशियली एट रेस्ट पे था, द बुलेट गेट एम्बेडेड इन द प्लैंक एंड बोथ मूव टूगेदर, जब बुलेट स्ट्राइक करता है तो जो वुडन प्लैंक है दोनों एक साथ में मूव होता है, तो हमें डिटरमाइन करना है देयर वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें उनकी डिटरमाइन करना है,
चले स्टार्ट करते हैं। पहले हमें गिवन डेटा हमें जो है दिया है वो हम लिख लेते हैं। गिवन डेटा हम तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन डेटा क्या दिया है। पहला तो हमें मास बोला है 10 ग्राम, तो M1 हमें 10 ग्राम दिया है। उसके बाद में स्पीड, स्पीड हमें बोला है U1 इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में हमें वुडन प्लैंक ऑफ मास M2 हमें दिया है 90 ग्राम, और U2 हमें नहीं दिया है, तो U2 हमारा हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में हमें जो वेलोसिटी बोला है, वेलोसिटी तो हमें दिया नहीं है, वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। तो टू फाइंड वेलोसिटी V1 और V2 दोनों भी एक ही बात हुई, V1 लिखो या V2 लिखो, V वेलोसिटी, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दोनों भी हमें नहीं मिला, मतलब सेम V हमें नहीं मिला है V। अभी हमें फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमें याद रखना है, फॉर्मूला इसमें हमें लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ओके तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है पहले हम वो देख लेते हैं। V1 V2 एक ही बात हो गई, वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, तो इसमें हम थोड़ा फॉर्मूले में हमको चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसको चेंज कर देते हैं हम। यहाँ पे देखिए M1 U1 दिया है, M2 U2 U2 हमें 0 दिया है, तो हम M2 भी अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमें 0 ही मिलने वाला है, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। इक्वल टू M1 V1, M1 मतलब V सेम हो गया, तो ऐसा ही होगा ये, इसको हम कॉमन ले लेंगे V को, तो M1 प्लस M2 इंटू V। ओके अभी ये V क्या हो जाएगा, ये हमारा नीचे आ जाएगा ये साइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये साइड अगर हम करेंगे तो उसको ये डिवाइड में हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, वेलोसिटी हमें फाइंड करना है M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। तो अभी हम फॉर्मूले में पुट करते हैं आंसर हमारा, देखते क्या आता है। तो देखिए V इक्वल टू M1 हमें कितना मिला है, M1 हमें मिला है 10 इंटू U1 हमें कितना दिया है 1.5 अपॉन M1 हमें कितना दिया है 10 प्लस M2 हमें कितना दिया है 90। तो अब हम इधर सॉल्व करते हैं, हमें देखते हैं कितना मिलता है। V इक्वल टू 10 × 1.5 करेंगे हम, अगर 10 × 1.5 करेंगे तो हमें मिलता है 15, और 10 + 90 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 100। ठीक है अभी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.15 मीटर पर सेकेंड। ओके बहुत ही इजी है ये, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपको मिलेगा 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका थर्ड का आंसर था, थर्ड क्वेश्चन का ऐसा आंसर। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थोड़ा फॉर्मूले में चेंजेस करना है, जैसे आपको गिवन डेटा मिला है उसके हिसाब से थोड़ा चेंज करना है और आपको आंसर मिल जाएगा, आप वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो अभी फोर्थ सम स्टार्ट करते हैं हम। फोर्थ सम बहुत ही ईजी है, आपने फर्स्ट सम जैसा किया था वैसे ही फोर्थ सम भी है, तो चलिए उसको भी खत्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ वाला सम। फोर्थ वाले सम में हमें क्या बोला है, ए पर्सन स्विम 100 मीटर इन द फर्स्ट 40 सेकेंड। 100 मीटर स्विम करता है फर्स्ट 40 सेकेंड में, उसके बाद में 80 मीटर स्विम करता है नेक्स्ट 40 सेकेंड्स में, और 45 मीटर स्विम करता है लास्ट 20 सेकेंड में। तो हमें फाइंड करने बोला है एवरेज स्पीड। ये पहले ही सम के ऐसा है, बहुत ही ईजी है, आप अपने आप से भी कर सकते हैं। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसका गिवन डेटा लिखते हैं कि गिवन हमें क्या क्या दिया है यहाँ पे। तो देखिए ये हमें गिवन डेटा मिला है, S1 100 मीटर, T1 40 सेकेंड्स, S2 80 मीटर्स, T2 40 सेकेंड्स, S3 45 मीटर, T3 20 सेकेंड्स। उसके बाद में हम यहाँ पे फाइंड क्या करने बोला है, हम वो लिख देते हैं टू फाइंड। यहाँ पे हमें बोला है एवरेज स्पीड, तो हम यहाँ पे एवरेज स्पीड लिख देते हैं, स्पीड को हम लिखते हैं वी, वी से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हम लिख देते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम।
एस अपॉन टी। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं करना। v इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें कितना दिया है s1 प्लस s2 प्लस s3, हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, और t1 प्लस t2 प्लस t3 को प्लस करेंगे हम तो पूरा हमारा टाइम मिल जाएगा कि हमारा कितना टाइम लगा और कितना डिस्टेंस है, हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए s1 100 मीटर प्लस s2 80 मीटर प्लस s3 45 मीटर अपॉन t1 हमें कितना है 40 प्लस 40 प्लस 20। अब इसको हम प्लस करेंगे, 100 प्लस 80 होता है 180, 180 प्लस 45 कर लेते हैं हम, 180 प्लस 45 5 12 1 2 225 अपॉन 40 प्लस 40 होता है 80, 80 प्लस 20 होता है 100। तो अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, साइड में यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए इसको अगर हम तो देखिए अभी डिवाइड करते हैं हम इसको, इसको हम 5 से करते हैं, 5 2 जो 10 0, 5 4 जो 20 2 कैरी, 5 5 जो 25। उसके बाद में हम फिर से 5 से इसको कर लेंगे, 5 4 जो 20 5 9 जो 45। उसके बाद में हम 4 से करेंगे इसको, 4 1 जो 4 4 2 जो 8 पॉइंट 1 कैरी हुआ, 0 इधर आया, 4 2 जो 8 फिर 2 कैरी हुआ, फिर हम 0 यहाँ पे लिए, 5 4 5 जा 20। तो देखिए हमें आंसर मिलता है 2.25। अभी वेलोसिटी का जो हमारा एसआई यूनिट होता है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। आपको यह याद रखना है मीटर पर सेकेंड 2.25। तो ये था फोर्थ वाला सम। तो देखिए ऐसे सब सम सॉल्व कर दिए हमने, चार फोर्थ सम सॉल्व कर दिए। अगर आपको इसमें से नहीं समझा है तो आपको नोट्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिए, वो भी आप देख लीजिए एक बार, वहाँ से आपको अगर समझ में आए तो अच्छी बात है। और मैंने आपका पिछला वाला वीडियो भी देख लीजिए आप जाके, यही चैप्टर का है, वहाँ पे मैंने सब पूरा अच्छे से समझाया, वो भी आप जाके देख लीजिए। तो देखिए आपका पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है मैंने, आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरी डिटेल्स आपके स्टैंडर्ड की मिल जाएंगी। तो चलिए खत्म करते हैं वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।